आज मैं आपको लेकर आ गया हिमाचल के फेमस ट्राउट फिश के फार्म में, जहाँ पे पहाड़ी आंटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्राउट फिश की फार्मिंग करती हैं और उनकी फ्रेश वाटर फिश खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो चलिए चलते आपको लाइव फिश पकड़ के दिखाते हैं, फिश की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हिमाचल के फार्म में और यहाँ पे निकाली जा रही ट्राउट फिश। और ट्राउट फिश जो है हिमाचल में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। तो आप देखते हो उसको फार्म में कैसे तैयार किया जाता है, एक किलो में 3 या 4 फिश आती है। तो देखते हो तो कितनी छोटी छोटी फिश है और ये 1 साल इनको अच्छे से यहाँ पे पाला गया है। और दाने में क्या डालते हैं यहाँ पे, फील्डी होती है इनकी, फील्डी डालते हैं। अच्छा, इन्हीं की फीड होती है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ट्राउट फिश जिसको अभी 1 साल ही हुआ है तैयार किए हुए। तो दीदी 1 साल होता है इसको रेडी किए हुए? हाँ जी 1 साल है। तो ये आ गई हमारी छोटी ट्राउट फिश 1 साल वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हिमाचल के फार्म में और यहाँ पे निकाली जा रही ट्राउट फिश। और ट्राउट फिश जो है हिमाचल में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। तो आप देखते हो उसको फार्म में कैसे तैयार किया जाता है, 1 किलो में 3 या 4 फिश आती है। तो हमारी यहाँ पे ट्राउट फिश निकाल ली गई है। तो दीदी कितने रुपए किलो की है? 550 रुपए। और ये कितने किलो की फिश है? 2.5 किलो की। 2.5 किलो। तो फिश हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो दीदी अब क्या करेंगे? वेट करेंगे ना, वेट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 किलो 18 ग्राम की फिश है ये और लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सिंगल कांटा इसमें होता है। मेरे पास 2-3 किलो के ट्राउट फिश आ चुकी है ट्रे में, इसको मैं यहाँ सफाई करके कटिंग कर रहा हूँ। तो ऐसी के साथ पता है कि लोग ये फिश पसंद करते हैं यहाँ पे, इसमें कांटा नहीं होता, कांटा कम होती है। तो फिश की यहाँ पे अच्छे से कटिंग कर ली जा रही है, सिर्फ इसमें एक ही कांटा होता है और टेस्टी बहुत होती है, टेस्ट होती है इसमें ना। तो अभी इसकी मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले कटिंग कर ली जा रही है। तो हमारी फुल साबुत फिश यहाँ पे अच्छे से कट कर ली गई है। तो भैया अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको थोड़ा सफाई करेंगे अंदर लेके, उसके बाद मसाला में मैरिनेट करके फ्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारी फिश की देखो तो अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, अंदर से भी इसको साफ कर लिया है, बाहर से भी इसको अच्छे से साफ कर लिया गया है। अब इसको अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट अब लेमन डालूंगा मैं। लेमन डालेंगे? हाँ जी। तो लेमन की यहाँ पे अच्छे से कटिंग करके फिश पे लेमन डाला जाएगा। लेमन जी। तो अच्छे से फिश के ऊपर लेमन छिड़का जा रहा है। तो ये कहाँ से सीखा आपने फिश बनाना? गोवा में 10-15 साल गोवा में क्या हूँ जी। 10 साल गोवा में सीखा है? हाँ जी। ये जाला ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आ गया। हाँ जी। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये आ गया भाई जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट जी। ये आ गई सॉल्ट जी। ये आ गया थोड़ा शेजन सॉस। शेजन सॉस। हाँ जी, थोड़ा स्पाइसी रहता है और टेस्ट रहता है। तो भैया ये खुद बनाते हो आप? हाँ जी, मैं खुद बनाता हूँ जी। ये आ गया ब्लैक सॉल्ट जी। ब्लैक सॉल्ट। हाँ जी। तो सिंपल नमक भी डाल देंगे, ब्लैक सॉल्ट भी डाल देंगे। हाँ जी। इसके अब आ गया थोड़ा ऑयल आता है जी। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जी। तो भैया आपको सबसे बढ़िया कौन सी फिश लगती है? मेरे को तो ट्राउट ही लगती जी। ट्राउट फिश पसंद आपको? हाँ जी, ट्राउट फिश पसंद जी। अब इसको मैं मैरिनेट करता हूँ जी। हाँ जी। तो हमारी ट्राउट फिश को देख सकते हो अच्छे से चारों तरफ से मैरिनेट किया जा रहा है और अंदर बाहर दोनों तरफ से इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया जाएगा। तो भैया कितने घंटे करेंगे इसको मैरिनेट? इसको 2 घंटा कम से कम मैरिनेट करके रखना पड़ेगा जी, तब जाके सही रहता है जी, इसके अंदर मसाला घुस जाता है जी। इसका हो गया जी मैरिनेट, अब इसको रखते हैं थोड़ा। देख सकते हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो भैया अब क्या करेंगे? अब इसको 2 घंटे रखेंगे जी, तब जाके ग्रिल करेंगे। अब मच्छी रेडी हो चुकी है जी, 3 घंटे हो गए जी। अब मैं इसको तवे पे ग्रिल करता हूँ जी। तो ये आ गया हमारा तवा। आ गया जी। तो भैया कौन से तेल में इसको पकाया जाता है? बटर में पकाया जाता है। अमूल का बटर आ गया जी। और फिश को देखो तो यहाँ पे अमूल बटर में पकाया जाएगा अच्छे से। तो पूरी की पूरी अमूल बटर की टिक्की यहाँ पे आ चुकी है जी। बटर में बड़ा अच्छा होता है जी, हम तेल में कभी करते नहीं जी ग्रिल, हम जब भी करते हैं बटर में ही करते जी। तो देखो तो अच्छे से यहाँ पे तवे पे बटर लगाया जा रहा है। तो पूरी की पूरी साबुत हमारी ट्राउट फिश अब इसमें डाली जा रही है। इसको कम से कम 20-21 मिनट लग जाएगा जी। 20 मिनट लग जाएगी? हाँ जी 20 मिनट। तो तवे पे देखो तो हमारी बढ़िया से ट्राउट फिश यहाँ पे बनाई जा रही है। तो देखते फिश को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे पकाया जा रहा है। हम स्लो गैस में इसको कम 20-25 मिनट पकाएंगे जी। तो भैया फिश का प्राइस कितना रहता है यहाँ पे बनाने का है? 600 रुपए का। 600 रुपए का? हाँ जी, एक फिश का 600 होता है जी। तो अगर आपने ट्राउट फिश खानी है तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे 600 रुपए की बनी बनाई। और अगर आप खुद की फिश लेके आते हो तो 100 रुपीज आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। इसको अब मैं पॉल कर रहा हूँ जी। हमारी ट्राउट फिश एक तरह से पक चुकी है, अब इसको पलट के दूसरे से पकाया जाएगा। अभी इसको हल्के से नीचे का ऊपर से मसाला जी, अब अच्छे से मसाला घुस जाएगा जी अंदर। तो ये टूरिस्ट लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे? मेरे पास आते हैं जी केरला, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, हर जगह से आते जी। फॉरनर भी आते, फॉरनर कोई आके खा के चले जाते, हमारे रिव्यू अच्छा देखे जाते हैं। 20 मिनट हो चुका है जी, अब इसको मैं प्लग कर रहा हूँ जी। तो 20 मिनट हो चुके हैं, देखो हमारी फिश दो हजार अच्छे से यहाँ पे पक चुकी है। भैया और कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? अभी लगेगा जी 15 मिनट और लगेगा जी, फिर आपको ये अच्छे से मिल जाएगा जी पका के। पूरी की पूरी साबुत फिश देखो तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से फ्राई कर दी है, जब से 15 मिनट अभी और लगेंगे रेडी करने में। तो हिमाचल की फेमस ट्राउट फिश है, अच्छे से यहाँ पे कलर आ चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं जी, अब मैं ऊपर से थोड़ा बटर डालता हूँ जी। तो अभी थोड़ा सा और यहाँ पे बटर डाला जा रहा है जी।
तो 5 से 7 मिनट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं और फिश को थोड़े से और बटर में यहाँ पे अच्छे से पकाया जाएगा। तो भैया इसको और कितनी देर पकाएंगे? इसको आप 10 से 15 मिनट लगेगी। हाँ जी, मच्छी बड़ा है ना जी, बड़ी मच्छी है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है जी। अब फिश रेडी है जी, हम इसको डेकोरेशन करके सजा के दे देंगे जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हमारी पूरी की पूरी फिश यहाँ पे बटर में रेडी की गई है और अच्छे से उसको मैरिनेट करके यहाँ पे लगा दिया गया है। ये छोटी फिश होती है, उसको टाइम लगता बनने में? उसको 10 मिनट में हो जाता जी, रेडी होता है। 10 मिनट में रेडी हो जाता है? 10 मिनट में रेडी होता है जी। अब इसको हम सजाएंगे और दे देंगे जी। अब पक गया जी, आधा घंटा पूरा हो गया जी। फिश को ट्रे में यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। हाँ जी, साथ में फ्रेंच फ्राई आ गया जी, साथ में आ गया इसके फ्रेंच फ्राइज। हाँ जी, और सलाद आ गया जी, और ये आ गया सैलेड। हाँ जी, ये जा रही है जी लेमन स्लाइस। हाँ जी, तो फिश को देखो तो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है और अब इसमें डाला जा रहा है लेमन स्लाइस जी। हाँ जी, ये मिंट। भैया अब नेक्स्ट क्या डालने जा रहे हैं इसमें? इसमें ग्रीन चटनी जी। ग्रीन चटनी? हाँ जी, मिंट। तो ये भी आप खुद बनाते हो? हाँ जी, ये भी खुद ही बनाता हूँ जी। हिमाचल की 2 किलो ट्राउट फिश रेम्बो रेडी हो चुकी थी, आप टेस्ट कर सकते हैं जी। एक बार खाओगे बार बार मेरे पास आओगे जी, ढूंढ ढूंढ के। तो फाइनली हिमाचल की सबसे फेमस सिंगल कांटे वाली ट्राउट फिश यहाँ पे लग चुकी है और इसको लोग हिमाचल में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपको छोटी फिश मिल जाएगी 200 ग्राम की और बड़ी आपको 2 से 3 किलो की मिल जाएगी, बट ज्यादातर लोग ये छोटी ही पसंद करते हैं। हमने लगवाई है यहाँ पे 2 किलो की फिश, तो साइज देख सकते कितना बड़ा है इसका। और इसको भैया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आधा घंटा इसको बटर में पकाया है। तो मैंने फिश को ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल में पकाते हुए देखा है, आज भैया ने यहाँ पे इसको तैयार किया है अमूल बटर में और इसको यहाँ पे लोग बटर में पका के पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज हिमाचल की फेमस ट्राउट फिश टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारी ट्राउट फिश, अब इसको ट्राई करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। तो वाकई में जैसे ट्राउट फिश का नाम सुना था, इनकी जो फिश है बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने बहुत वैरायटी की फिश खाई है बट जो ट्राउट फिश है इसका स्वाद ही अलग है, जो इसको उन्होंने 2 से 3 घंटे मैरिनेट किया था और जिसको बटर में अच्छे से पकाया गया है, इसका टेस्ट काफी अच्छा आ रहा है। तो अगर आप भी हिमाचल में विजिट कर रहे हो और बढ़िया से ट्राउट फिश खाना चाहते हो तो ये रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा कुल्लू मनाली के बीच में, आपको मिलेगा पतली कुल जगह है, वहीं पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ पे आके आप इनकी ट्राउट फिश एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया बनाते हैं। टाइमिंग हमारा जी है सुबह 8 बजे शाम 11 बजे तक होती है जी, रात को 11 बजे तक रहते जी। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? हफ्ते में हम सर 7 दिन लगते हैं। 7 दिन लगता है पूरा जी। अच्छा, और एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे हिमाचल में ये? हिमाचल में कुल्लू और मनाली के बीच में पतली कुल है जी, वहाँ है जी लोकल टेबल NH हाईवे। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 500 रुपीज। तो 500 रुपीज में आपको एक फिश यहाँ पे खाने को मिल जाएगी। और यहाँ की खास बात ये रहती है कि आपको यहाँ पे लाइव फिश पकड़ के देते हैं और लाइव फिश यहाँ पे आपके सामने बनाते हैं। तो यहाँ पे आके फिश को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो इस ट्राउट फिश को मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।